अंधेरा करके रखता भाई, घेर दियो तू हमें हैं। हाँ भाई, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज थोड़ी ठंड कम है क्योंकि फिर भी कैप लगाई हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि लगा लेते हैं क्योंकि सर्दी तो अब जा ही रही है, तो कैप का भी आनंद ले लेते हैं। तो मज़ा आ रहा है क्योंकि यार ठंड तो हर किसी को अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते, राम राम, सत श्रीकाल, आदाब सभी लोगों का मेरा। और आज निकलते हैं थोड़ा सा बाहर की ओर और दीपांशु के पास चलता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत टाइम से मिला भी नहीं हूँ मैं उससे। पूछ दीपांशु के यहाँ पहुँच चुका हूँ अब। वैसा शक्ल तो मेरी दिख नहीं रही होगी क्योंकि ये अंधेरा करके रखता भाई, घेर दियो तू हमें हैं। हाँ भाई, तू घेर दियो हमें किस दिन, तो अपने जीने पे एक बल्ब मत जला के रखी है, ऐसी तेरी कंजूसी आ रही है। तूने बिल्कुल याद कर रखी है, महंगे फोन दिला रखे तूने। तू यूं बता, तूने इतनी कंजूसी मचा रखी है, तू भाई एक जिन्हें बल्ब भी नहीं जला रहा। अब बताओ क्या करे, मैंने महंगे फोन दिला रखे तुम्हें, ये इतने दिला रखे, टॉर्च लाइट जलाओ इनकी, इनकी यूज करो इनका कुछ नहीं थोड़ी नहीं। ये तो है टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट किसकी कहाँ जलेगी, इसकी तो मुश्किल है। खैर, इससे एक ही काम हो सकता है, तो व्लॉग बना लो या इससे टॉर्च लाइट जला लो, तो भाई व्लॉग ही बना लो फिर। नहीं भाई बिल्कुल ही, फिर एक थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा कि आज फूटा मेरा मुंह है। ना भैया, ऐसे कंटेंट ना डालने हो कि आज आज फूटा मेरा मुंह। ले भैया, अगले आदमी ने चेयर भी डाल दी, उनके लो यहाँ बैठो तुम। तो भैया सीन ये है, क्या बना रहा? ले भैया पनीर कटोरा भी अगले का ही रखा भैया, देख लो दोस्तों। आज वो भैरव कांग गया, जॉन सीना, जॉन सीना छुट्टी पे भैया। क्यों जॉन सीना? तो भैया यूं कह रहा कि जॉन सीना यूं कह रहा है भैया, क्या नाम है, मुझे तो मिल रहे कहीं और हैं। जॉन सीना कह रहा मुझे तो कहीं और मिल रहे है 16। हाँ वो तो भैया 16। मैंने कहा भैया एक काम कर, तू वही ले लडोला। तो ये है, और आज काफी टाइम बाद आए हैं, गाजर वाजर रख रखी है भाई ने, देख लो जी। और इस पर अपनी चाय भी बनती है दीपांशु। हाँ सब बनता है, यहाँ दीपांशु चाय भी बनाता है। क्यों दीपांशु, और बता तू भैया, बैठना बैठना, ये घी कैसे जम रहा, प्रैक्टिस फुल चल रही है, ये घी कैसे जम रहा है, घी है क्या है? हाँ जम रहा है, घी है क्या है? घी असली शुद्ध, देखो ये देसी घी जम रहा है, मेरा तो पता नहीं बना रहा है बेको, बाकी पता नहीं, तुम देख के बता देना, कमेंट करना। ठीक है जी, और बता। तो भैरव को कहीं 16,000 की मिल गई है, तो क्या कह रहा है अच्छा कोई बात नहीं दोस्तों। और अच्छा ये तो बता, फ्लैश कहाँ से जलती है इसमें यार? इसकी फ्लैश मुश्किल जलेगी। क्यों? अब तो यार फोन भी नया है, क्वालिटी देख तो। इसमें तो वो पैसे कम दिए ना, जो वो इंस्टॉलमेंट पूरे होने के बाद जलेगी फ्लैश, जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए। यार मैंने वो नॉइज की जो ली है, वे तो पता नहीं दिक्कत कर रहे हैं, वो इसलिए तो कर रहे हैं, वो दिक्कत कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। अब दिक्कत पता क्या हो गई थी, दिक्कत ये हो गई थी मुझे, ये समझ में नहीं आया कि चल क्यों नहीं रहे। अच्छा, अब भैया फिर पता नहीं क्या सीन हुआ, चला कि ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ना ना ना, ब्लूटूथ ना, पता नहीं चलेगा कि चार्ज भी हुआ है ये, मैंने सही तो बात मुझे पता नहीं भैया चार्ज भी हुआ है ये, तो भैया ये दिक्कत थी। तो मैं तो जाने वाला हाँ वहाँ, मैंने कहा भैया देखिए चल के ना रहे ये। बैठो बैठो, तो भैया भूख लग रही है, दीपांशु कह रहा खाने में कुछ मिलेगा नहीं, भैरव है नहीं, भैरव है नहीं। फाइनली यार दीपांशु के यहाँ से आ चुके हैं, और जगह चून दिख रही होगी आप सब लोगों को, मेरे पीछे देख सकते हैं, और खूबसूरत सजा हुआ है इधर भी और इधर भी, तो आप देख सकते हैं। और ये इस्कॉन टेम्पल है हमारे यहाँ का आज का, और मैं आज इस्कॉन टेम्पल की ओर आया हूँ,
और दूसरा ये है कि यहाँ का ये फेमस है, फेमस मंदिर है स्कॉन टेम्पल यहाँ का ये, और कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों ये। मैं किसी दिन यहाँ का भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा, और बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत मंदिर है, मैं आप लोगों को अंदर भी लेके जाऊंगा अगर मुझे बिल्कुल परमिशन मिली कि मैं अंदर से ब्लॉग शूट कर सकता हूँ, तो मैं अंदर भी आप लोगों के लिए लेके जाऊंगा। और देख सकते हैं बहुत ही चकाचौंध है और बहुत बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है, और किसी दिन अंदर भी लेके जाऊंगा। और कल ना यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने चकाचौंध क्यों हैं, क्यों इतनी लाइटिंग है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कल यहाँ पे रथ यात्रा निकलेगी, राइट। तो कल यहाँ पे रथ यात्रा निकलेगी, बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए, क्योंकि प्रसाद वगैरह काफ़ी सब कुछ मिल रहा है। और दोस्तों बताना चाहता हूँ आप लोगों को, काफ़ी भीड़ रहती है इस मंदिर में, और आज तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये मानिए कि जन्माष्टमी वाले दिन तो जहाँ तक दूरी तक मेरी उंगली जा रही है, दिख रहा है मेरा हाथ, तो वहाँ तक पूरी भीड़ रहती है, और पूरा हमारे जो इंग्राम स्कूल है वहाँ तक पूरी भीड़ रहती है, तो पूरा ये समझिए कि पूरा सजा हुआ होता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन जो लगती है। और मैं दिखाना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि देखिए, मैं बोर्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि जो ये लगा हुआ है बोर्ड, ठीक है, और यात्रा का बोर्ड लगा हुआ है, और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भंडारा हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी अच्छी पूरी तैयारी के साथ सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े भीड़ आप देख सकते हैं, और ये भैया हैं पूरे कार्यकर्ता हैं भैया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना बड़ा भंडारा होता है यहाँ पे? ये बहुत बड़ा भंडारा होता है, अभी 3 दिन से चल रहा है। अच्छा, तो कितनी मतलब कितने लोगों की गैदरिंग रहती है कम से कम? हो जाते हैं अभी तो, आज तो है 1,500। 1,500? ओ भाई 1,500। और मतलब तीन दिन में कितने लोगों को खाना खिला दिया होगा अभी तक? कल था 1,500 आदमी का। कल 1,500 आदमी थे, और कल हो जाएंगे 700-800 आदमी। कल 700-800 आदमी, मतलब 3,000, 3,500 लोगों का खाना, मतलब मान लो कि 3-4 दिन में हो जाता है। अच्छा, तो भैया ये कल क्या है, मतलब रथ यात्रा मतलब कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी, जो भी निकलेगी तो पास से निकलेगी, बाहर से भी लोग आएंगे। अच्छा, बाहर से भी आएंगे, चलो लास्ट है ना, कनाडा होगा। अच्छा, तो जन्माष्टमी में तो भैया मजा ही आ जाता होगा। तो आप यहीं रहते हो? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम तो आए हैं उधर। अच्छा, चलो यार भैया बहुत बढ़िया यार, सेवा कर रहे हो, देन ऑल द बेस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, ओके भैया। तो फाइनली दोस्तों मैंने सब कुछ सारी चीज़ें दिखा दी हैं, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आप सब लोगों के लिए कि मैं स्पेशल इस मंदिर के लिए व्लॉग बनाऊँ। और दूसरा, मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा, और बहुत काफ़ी टाइम बाद दीपांशु से मिला हूँ कुछ दिन बाद, और मैंने आप लोगों को इस्कॉन टेम्पल भी दिखाया है, हमारे यहाँ का ये फेमस इस्कॉन टेम्पल है दोस्तों। और मैं इसके लिए स्पेशल भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशल मैं व्लॉग बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं अंदर से भी आप लोगों को दिखाऊँ। दूसरा ये है कि दोस्तों इस व्लॉग को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ आप सब लोगों से कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें दोस्तों, और बिल्कुल यार पूरा सपोर्ट करें, और क्योंकि आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आप सब लोगों के प्यार के बिना बिल्कुल चीज़ें अधूरी हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और यार लव यू ऑल, थैंक यू सो मच ऑल।